डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजु हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे, एल्कोनों का आपने पढ़ लिया था कार्बन श्रृंखला में आरोहण। आज बात करेंगे एल्कोनों का कार्बन श्रृंखला में अवरोहण किस प्रकार से होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा एल्कोनों में कार्बन श्रृंखला का अवरोहण, देखिए कैसे होता है। एल्कोनों में कार्बन श्रृंखला का अवरोहण यानी कि एल्कोल जो होते हैं उनमें कार्बन श्रृंखला का अवरोहण, यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डेस्केंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोल, डेस्केंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोल, में कार्बन श्रृंखला का अवरोहण, डेस्केंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोल। इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि पहले तो आपने आरोहण में क्या पढ़ा था कि भाई मैथेनॉल है, उस मैथेनॉल का कन्वर्जन किस में कर रहे थे, एथेनॉल में, यानी मैथेनॉल से क्या बना रहे थे, एथेनॉल, वो कहलाता है आपका एल्कोनों का आरोहण। अब मैं कह दूं कि एथेनॉल से अब वापस मैथेनॉल का निर्माण कर लूं तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एल्कोनों का अवरोहण, यानी कि अधिक से कम की तरफ जाता हूं तो अवरोहण और कम से अधिक की तरफ जाता हूं तो क्या कहलाएगा, आरोहण। तो देखिएगा यहां से CH3CH2OH, यहां पे क्या होगा कि जो आपका CH3CH2OH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH3CH2OH का इस CH3OH में जो कन्वर्जन है वही कहलाता है एल्कोनों में कार्बन श्रृंखला का अवरोहण। तो देखिएगा यहां से, तो ये आपका एथिल एल्कोल है, एथिल एल्कोल, इस एथिल एल्कोल का मैं क्या करवा दूं, यहां से ऑक्सीडेशन करवा दूं। तो मैंने बताया था आपको, पढ़ाया था कि जो एल्कोल है उन एल्कोलों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइडों का निर्माण होता है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां की H निकले और यहां का H निकले और यहां का ऑक्सीजन 3H2 बाहर निकल जाएगा क्या यहां से, तो ये जो कंपाउंड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड। और इन एल्डिहाइडों का मैं क्या करवा दूं, वापस ऑक्सीडेशन करवा दूं। तो यहां से देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। CH3 यहां से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी अभिक्रिया में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दूं, NH4OH, इस यौगिक का नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। तो यहां से देखो कैसे टूट जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहां से ये पॉजिटिव आएगा, यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, आपको पता है यहां से ये टूटा, यहां पे क्या आएगा H प्लस, यहां पे क्या आएगा O माइनस, तो H प्लस OH माइनस, तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे नेगेटिव पार्ट में कौन जुड़ जाएगा, NH4 प्लस, तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OONH4, अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। इस यौगिक का नाम क्या है, अमोनियम एसिटेट। इस अमोनियम जो एसिटेट बना है यहां से, देखो यहां पे नाइट्रोजन वैसे कितने बॉन्ड बनाता है, तीन ही बॉन्ड बनाता है डियर स्टूडेंट, लेकिन यहां पे जो अमोनियम नाइट्रेट है उसका जो नाइट्रोजन, अमोनियम जो एसिटेट है उसमें यहां पे जो नाइट्रोजन पांच बॉन्ड बना रहा है, यानी अस्थायी कंडीशन के अंदर होने के कारण यहां से ये अस्थायी अमोनियम एसिटेट जो बना है वो यहां पे क्या है, अनस्टेबल है, अस्थायी। जैसे इसको क्या करवाएंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहां का देखो दो हाइड्रोजन, यहां का ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, वेपर के रूप में बाहर निकल जाएगी, तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड, क्या बन जाएगा यहां से, ये अमाइड। और अमाइडों की रिएक्शन किसके साथ करवा दें, Br2 KOH की प्रेजेंस में होती है, Br2 प्लस KOH, इसको बोलते हैं, यानी अमाइड है, उस अमाइड की रिएक्शन में ब्रोमीन
प्लस बेसिक कंडीशन में KOH ले रखा है, तो उस रिएक्शन का नाम होता है हाफ मास ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो यानी हाफ मान ब्रोमेमाइड जो अभिक्रिया, उसका फंक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट? यहां से ये वाला जो पार्ट है CW, ये यहां से क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां से 1 डिग्री एमीन में प्राथमिक एमीन बन जाएगा यहां से। अब इस 1 डिग्री एमीन जो बना है, उस 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट, CH3 यहां पे NHH। 1 डिग्री एमीन जो बना है, उसकी रिएक्शन टिल्डेंट एजेंट के साथ करवा दें। यहां से टिल्डेंट एजेंट का फार्मूला क्या है? N डबल बॉन्ड OCl। तो देखो यहां से क्या साइड साइड कर, ये बाहर निकल जाएगा यहां से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां से CH3Cl प्लस यहां से N2, यहां से ये H2, N2 प्लस H2। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई एक्वस KOH के साथ, जलीय KOH के साथ। तो देखो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां से KCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और ये CH3 पे क्या हो जाएगा? यहां पे OH, CH3OH, यहां से ये KCl। यानी कि आपका क्या बन जाएगा? मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? मेथिल एल्कोहल, यानी कि एथिल एल्कोहल है, यानी कि एथेनॉल जो है, उस एथेनॉल का कन्वर्जन यहां पे किस में हो गया? मेथेनॉल में हो गया। यहां पे ये क्या है? आपका एल्कोहलों का अवरोध। यहां से यदि आपके पास चॉइस ये बनती है कि जो 1 डिग्री एमीन है, इसको सेकंड इस प्रकार से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मैंने सेकंड प्रोसेस में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3NH नाइट्रस एसिड के साथ मैंने ऑप्शन बता रखा है। नाइट्रस एसिड को मैं कैसे लिख दूं? N डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या है? OH। इसका नाम क्या है? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल के साथ जैसे ये अभिक्रिया करवाओगे, साइड साइड से निकल जाएगा, गर्म करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका CH3OH + N2 + H2। ये क्या बन जाएगा? आपका मेथिल एल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट, यहां से जो एथिल एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो गया? यहां से मेथिल एल्कोहल। यही क्या कहलाता है? एल्कोहलों का कार्बन श्रृंखला में अवरोहण। तो क्लियर है डियर स्टूडेंट? इसी में फर्स्ट मेथड तो मैंने इस प्रकार से बता दिया, सेकंड मेथड के अंदर किस प्रकार से अपन कि जो आपका एथिल एल्कोहल है उसको मेथिल एल्कोहल में परिवर्तित करें। तो सेकंड मेथड के अंदर देखिए, सेकंड मेथड में किस प्रकार से इसमें कन्वर्ट करते हैं? CH3 जो CH2OH है, इसका कन्वर्जन वापस किसमें करेंगे? CH3OH। यही क्या कहलाएगा? आपका एल्कोहलों की कार्बन श्रृंखला का अवरोहण। तो इसमें डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं? आपने मैंने पढ़ा भी रखा है सेकंड मेथड के अंदर कि जो आपका CH3CH2OH एथिल एल्कोहल है, इस एथिल एल्कोहल जो है आपका, इसको मैं एल्यूमिनेट डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है एथिल एल्कोहल, इसको मैंने Al2O3 एलुमिना जो है उसके साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, या मैंने इसको 443 केल्विन ताप की एलुमिना के साथ, यदि कितना तापमान है 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, या कितना है 443 केल्विन, या फिर एलुमिना के साथ यहां पे आपके साथ कंसंट्रेट H2SO4 भी हो सकता है। तो मैंने बताया था आपके पास एल्कोहल हो, एल के ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 लिख रखा हो, या फिर Al2O3 लिख रखा हो, तापमान कितना दे रखा हो यहां पे 443 केल्विन। तो मैंने बताया था आपको यहां पे इसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। और यदि आपके तापमान 413 केल्विन होता तो यहां से क्या बनता? डाइएथिल ईथर। इतना मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। तो यहां पे 443 केल्विन क्या है कि एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में। तो देखो कैसे कन्वर्ट होगा, यहां से OH जाएगी और यहां का क्या जाएगा? H। ये जो कंपाउंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका एल्कोहल कंपाउंड बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH3। देखो यहां से आउट कौन हो जाएगा? यहां से H3। कैसे आउट होगा डियर स्टूडेंट, समझने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां से ये टूटा, यहां पे माइनस, यहां पे क्या आएगा? प्लस। यहां से ये टूटा नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव, यहां से OH नेगेटिव, आउट कौन हो जाएगा? H2।
ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में किसका निर्माण हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहां से जो एल्कीन बनी है उस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करवा दें, ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन। ये 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था आपने, ओजोनी अपघटन, एल्कीन का ओजोनी अपघटन करवा रहे हैं यहां से। तो देखो यहां से दोनों बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, दोनों के बीच में तीनों मोल ऑक्सीजन के किस प्रकार जुड़ जाएंगे, CH2 यहां पे OCH2, ये O, ये ओजोनेमाइड बन जाएगा, ओजोनेमाइड। अब ये जो ओजोनेमाइड बना है ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, जिंक H2O की प्रेजेंस में अभिक्रिया करेगा, तो साइड साइड से बाहर निकल जाएगा। तो ये कंपाउंड देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2HC डबल बॉन्ड को H में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइड प्रोडक्ट के रूप में यहां से ZnO के रूप में ये कन्वर्ट है। यहां पे जिंक जिंक Zn प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो यहां का ऑक्सीजन मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अब यहां से जो फॉर्मेल्डिहाइड बना है उसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड का मैं क्या करवा दूं, रिडक्शन करवा दूं, एक मोल के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, दो, तो यहां पे डबल मोल है तो मैं हाइड्रोजन यूज कर सकता हूं, यहां से 4H किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवा रहा हूं, AlCl4 की प्रेजेंस में। तो देखो यहां से कन्वर्ट हो जाएगा ये CH3OH, यानी कि दो मोल बन जाएंगे, ये क्या बन जाएगा आपका, मेथिल एल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट, जो आपने एथिल एल्कोहल लिया था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, मेथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का ये जो मेथिल एल्कोहल में जो परिवर्तन है वही कहलाता है आपका एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला का अवरोध। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे डियर स्टूडेंट, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक जो एल्कोहल जो होते हैं उसके अंदर जो विभेद करते हैं उसके लिए कौन कौन से टेस्ट के थ्रू अपन प्राथमिक एल्कोहल है द्वितीयक एल्कोहल है उसकी पहचान करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है, नेक्स्ट अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे।